सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं। हम आज के वीडियो में जानेंगे त्रिभाषा फॉर्मूले के विषय में, यानी कि तीन भाषा फॉर्मूला क्या है, इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं आज, ये टॉपिक हमने क्यों लिया है ये जानेंगे। साथ ही इससे संबंधित क्या विरोध है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है और सरकार का इसके प्रति क्या रुख है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 का सबके सामने आ गया है और इस प्रारूप के सामने आते ही 50 साल पुराना एक विवाद भी सामने आ गया है। ये विवाद है हिंदी भाषा को लेकर। नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप सामने आया है उसमें उन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने का प्रावधान है जहां पर हिंदी बोली नहीं जाती है। अब ये प्रारूप केंद्र सरकार के पुराने त्रिभाषा फॉर्मूले के अनुसार है, लेकिन इसको लेकर तमिलनाडु में बहुत विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है। हम जानेंगे कि तमिलनाडु में इस त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर और विशेष रूप से हिंदी को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। जो तमिल भाषाई लोग हैं उनका ये कहना है कि इस प्रारूप के माध्यम से, यानी कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से, उन पर हिंदी को बलपूर्वक थोपा जा रहा है। और राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ये पहल केवल शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि इसके पीछे सरकार की एक मंशा है और वो मंशा ये है कि किसी भी प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एजेंडे के हिस्से के रूप में हिंदी को थोपना। तो इन्हीं बातों को लेकर तमिलनाडु में विरोध है। अब जान लें कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। भारतीय संविधान की धारा 343 और धारा 3482 और 351 में एक सारांश है, जो इन भाषाओं का सारांश है। उसके अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। कुल 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं जिनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी हैं। त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो संविधान में नहीं दिया गया है, यानी कि वो संविधान में नहीं है। इससे संबंधित पृष्ठभूमि की अगर बात करें कि शुरुआत कहां से होती है त्रिभाषा फॉर्मूले की, तो सबसे पहले 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसे मूल रूप में अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के सामने रखा और मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया था। उसके बाद 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया और 1968 में इसका दोबारा अनुमोदन भी कर दिया गया। फिर 1992 में संसद में इसके कार्यान्वयन की संस्तुति कर दी गई और ये संस्तुति राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है। अब वर्ष 2000 में ये देखा गया कि कुछ राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अपनी इच्छा से संस्कृत, अरबी, फ्रेंच और पोर्टुगीज की पढ़ाई की जाती है। त्रिभाषा फॉर्मूले में तीन भाषाओं को शामिल किया गया है। उनमें तीन भाषाओं के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत, अंग्रेजी या फारसी, दूसरी राष्ट्रीय भाषा और तीसरी आधुनिक यूरोपीय भाषा शामिल है। इन तीन तरीके की भाषाओं को मिलाकर त्रिभाषा सूत्र तैयार किया गया था। अब 1968 के एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई का प्रावधान है और 1968 की जो नीति थी उसके अनुसार क्षेत्रीय भाषाएं प्राथमिक और माध्यमिक पढ़ाई के स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहले से ही है। लेकिन राज्य सरकारों को अब क्या करना चाहिए कि माध्यमिक पढ़ाई के स्तर पर भी त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करें। इस नीति के अनुसार ये कहा गया था। इसके अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में दक्षिण की एक भाषा, यानी कि उन राज्यों में जहां हिंदी बोली जाती है वहां पर दक्षिण की एक भाषा और हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाए। दक्षिण राज्यों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाई जाए। 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के विषय में ये कहा गया कि हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और ये कदम ऐसे हो कि ये अवयव भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन जाए। ऐसा संविधान की धारा 351 में प्रावधान किया गया है, जो हमने वीडियो के शुरू में ही बोला। अब
इससे संबंधित जो ये विवाद है, सरकार इस विवाद को कैसे निपटा रही है, यानी कि इससे संबंधित सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है? तो सरकार की प्रतिक्रिया ये आई है कि ये शिक्षा नीति का केवल एक ड्राफ्ट है, एक मसौदा है, ये नीति नहीं है। फिर इसके बाद सरकार ने, जब विरोध बहुत बढ़ गया है, तो सरकार ने हिंदी को लेकर जो विवाद है उससे संबंधित प्रावधान को हटा दिया, और जो ये नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप तैयार किया गया है, इस नई शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार किया है इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन ने, यानी कि उनके नेतृत्व में ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है त्रिभाषा फॉर्मूला, क्योंकि वर्तमान में इसे लेकर विवाद है। सरकार का रुख क्या है ये जानना जरूरी है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है ये जानना जरूरी है, और इससे संबंधित पृष्ठभूमि क्या रही। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लगातार साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।